सुबह के बज रहे हैं 7 और दिल्ली की गर्मी से थक हार के हम रवाना हो रहे हैं अपने घर से नैनीताल की ओर। तकरीबन 300 किलोमीटर की ये रोड ट्रिप होने वाली है और हाँ, कैब से नहीं जा रहे, बस जिसके साथ जा रहे हैं उसी के इंतज़ार में हैं। और ये हुए हम टेलीपोर्ट अपने दोस्त की गाड़ी में। अब यही हमारा घर है अगले 6-7 घंटों के लिए। और हम किधर रुकते हैं, क्या खाते हैं, दिल्ली से नैनीताल का रास्ता कैसा है, कितने टोल आते हैं बीच में, सब बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। बस दिल्ली से अगर आप नैनीताल की तरफ जा रहे हैं तो आपको मेरठ एक्सप्रेस वे तो लेना ही पड़ेगा। और मैप्स किसी को बाय हार्ट होते नहीं है, इसलिए गूगल मैप्स की शरण में आना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गूगल मैप्स ऐसा कंफ्यूज कर देती है कि आप राइट लेने के बजाय आप लेफ्ट ले लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ। लेना था एग्जिट 9 लेकिन ले लिया हमने एग्जिट 3। अब हमको रीराउट करके दिखा रहा है गूगल मैप्स। पेट्रोल पंप के सामने स्टारबक्स, KFC, डोमिनोज सब है भाई यहाँ पे। ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ गया है क्योंकि हमारे पीछे वाले टायर की ना हवा कम सी लग रही थी, तो हम इस गैजेट का यूज करके अपना टायर इन्फ्लेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे अकेले अकेले खा रही है भाई। हमको भी दे दो यार, मेरी फोटो खींच दो। थैंक यू, यू आर सो काइंड। सुबह उठ के लड़की ने ये बनाया, थैंक यू सो मच। बताओ यार, एक गलत कट की वजह से हमको पूरा रीराउट करके अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ रहा है ताकि हम वापस से सही रूट पर आ सके। और ये आ गया जी हमारा पहला टॉल, जो अगर आप सही रूट पकड़ोगे तो आएगा भी नहीं। इधर के टॉल पे कुछ दिक्कत चल रही थी कि हमारा फास्टैग तो ये पकड़ ही नहीं पाया और हमको फिजिकली ट्रांजेक्शन करनी पड़ी। फायदा क्या फास्टैग का जब तुमने फिजिकली उसकी ट्रांजेक्शन करनी है। लो जी, आ गया हमारा एग्जिट टॉल और हम हो गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से ऑफिशियली एग्जिट। और अभी हमारी गाड़ी एकदम राइट ट्रैक पे है क्योंकि हम दोबारा से NH9 पर आ चुके हैं। और यहाँ पे मिली है हमको भीड़ वीकेंड की। ओहो हो, सारे ही नैनीताल जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बाबू सो गया है, ये भी सो गई है, बचे हम, भरते हैं टोल। अरे 3 बार है, एक और बार भी आएगा NH9। हाँ तो पर्ची दिखा देना। टोटल 4 बार है। एक बात तो माननी पड़ेगी, हाईवे काफी स्मूथ है। गजरौला के बीकानेर वाला पे हम रुके हैं अभी, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके आगे जाएंगे। यहाँ पे तो कुछ खाने का भी मन है नहीं, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इधर डाइनिंग करना चाहो तो मैं अंदर से दिखा दूँ, हमने तो करना नहीं था तो इसलिए हम चल पड़े आगे। मैं मैकडी यहाँ पे खाते हैं कुछ और फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे मैक कैफे है एंड यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, बट सिंस हमको खाली अपने आलू टिक्की बर्गर चाहिए तो हम इधर से ही कर लेते हैं। अरे ये कब से रखने लगे। चलो क्रोसान ट्राई करते हैं इनके। थैंक यू। 4 मैकालू टिक्की बर्गर्स की कीमत का खाली एक ये बटर क्रोसान आया है, ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। बेटर बी गुड। बेकार भाई, पैसा बर्बाद, अपने सिर्फ मैकालू टिक्की लेके सही जा रहे थे। थैंक यू भैया, अभी हम याद ही कर रहे थे केचप आपका। अच्छा, गजरौला वाला मैकडी बड़ा दिल वाला है भाई, भर भर के प्याज दिए हैं और टमाटर भी है। रोसा से लाख गुना बढ़िया। यहाँ पे बर्गर सिंह का पंजाबी तवी भी है, केटल सिंह। यहाँ से हमने थोड़ी पानी वानी की बोतल वगैरह ले ली है एंड हम अभी निकल रहे हैं गजरौला से नैनीताल की तरफ। यहाँ पे हम आइस टी बना रहे हैं क्योंकि मैकडी वाली बहुत महंगी पड़ रही है हमें। 30 रुपए का पाउडर, 20 रुपए का चिल्ड पानी और बढ़िया से शेक करके तैयार है अपनी ठंडी ठंडी 4 बंदों के बराबर की आइस टी। और ये तो मैकडी वाली आइस टी से भी बढ़िया है। हम थोड़ी सी राहत की सांस क्या लेते हैं, एक और टोल आ जाता है। लो जी, फिर से एक फास्टैग बैरियर आ गया है, टोल प्लाजा। ये वाला पक्का लास्ट टोल है। कमेंट करके बताइए हमने टोटल कितने टोल भरे होंगे। हम अभी रामपुर क्रॉस कर रहे हैं एंड यहाँ की भी रोड सरप्राइजिंगली काफी स्मूथ है। लो जी, हमारे छोटे उस्ताद ने भी अपनी नींद पूरी कर ली है, चलो थोड़ा सा इनका भी एंटरटेनमेंट किया जाए। हम रामपुर में खड़े हैं और नैनीताल यहाँ से 82 किलोमीटर दूर है और जिम कॉर्बेट 55 किलोमीटर दूर है अगर हम लेफ्ट कट लेते हैं तो, बट हम जा रहे हैं नैनीताल। लो जी, अब हम ऑफिशियली एंटर करने जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड एंड यहाँ तक हमें पेट्रोल पंप बराबर मिल रहे हैं अभी भी। पूरे रास्ते में हमको टोल के अलावा हल्का सा भी जाम नहीं मिला। यहाँ पे हमें रेलवे फाटक की वजह से 20 से 25 मिनट तक का जाम देखने को मिल रहा है बस।
एट प्रेजेंट हम अभी बाजपुर में हैं एंड उसी का ही फाटक है ये। अभी हम काला ढूंगी में प्रवेश कर रहे हैं, काफ़ी फनी नाम है यार। नैनीताल यहाँ से 32 किलोमीटर और रहा है बस। इस हाईवे में स्लोगन बड़े इंटरेस्टिंग मिल जाते हैं, इफ़ यू आर मैरिड टू स्पीड डाइवोर्स इट। फाइनली पहाड़ शुरू हो चुके हैं एंड काफ़ी हरा भरा रास्ता देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कान भी बंद होने शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ से नैनीताल सिर्फ 13 किलोमीटर रह गया है, लेकिन हम जिधर जा रहे हैं वो उससे भी पहले आ जाने वाला है। यहाँ से रास्ता काफ़ी स्लांट है और रिस्की भी है थोड़ा सा ड्राइव करना, लेकिन रिस्क जितना एडवेंचर उतना, एंड सिंस हम पहाड़ों में हैं तो एडवेंचर बिना क्या मज़ा। ये देखो अब तो वो लेक भी दिखने लग गई जिसके किनारे हमारा स्टे होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। और हम पहुँच गए हैं खुरपताल नैनीताल। करीब 3 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं नैनीताल में। खुरपताल में हम स्टे कर रहे हैं जो कि थोड़ा दूर है नैनीताल से। चलिए आपको रूम दिखाते हैं। सो ये है हमारा स्टूडियो रूम एंड हमें हीटर भी प्रोवाइड किया गया है। हेलो फ्रॉम आवर बेबी। एंड वार्डरोब है, टीवी भी मिला है, एंड सबसे अमेजिंग तो यहाँ का लेक व्यू है। देखिए यह है हमारी बालकनी, एक टेबल, 2 चेयर एंड सामने का नज़ारा। और यह है खुरपताल लेक, एमरल्ड ब्लू कलर इतना प्यारा आ रहा है, शानदार। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे किचन भी है एंड हमको यहाँ पे इंडक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिक केटल एंड सारी बाकी सारी चीज़ें तो हर कोई होटल देता ही है। बट यहाँ पे हमको 2 बिसलेरी की बॉटल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिली है पर डे। 2 ग्लास हैं एंड प्लेट्स हैं, स्पून है, फॉक्स है, मतलब यहाँ पे खाना छाना मस्त हम बना सकते हैं। एंड बात अगर करी जाए बाथरूम की, बाथरूम बड़ा शानदार है यार, इतना सही बड़ा मिरर मिला है एंड इंग्लिश सीट है, डस्टबिन भी है एंड शावर एरिया अलग से है, तो बहुत सही है। बाकी सिंस अभी ऑलरेडी 3 बज चुके हैं तो हम सोच रहे हैं आज खाने में मैगी वगैरह कुछ ही बना ली जाए, क्योंकि पहाड़ों में मैगी बिना तो अधूरा अधूरा सा लगता है। एंड रात का खाना भी यहीं पास में गवर्नमेंट हॉलीडे होम से ही खा लिया। बाकी ये देखो हमको आधी रात किन के दर्शन हुए। लोकल से बात किए तो वो बोले इधर आम बात है, घबराने की कुछ खास जरूरत नहीं है। सुबह सवेरे कॉफ़ी मिलने का सुख अलग ही होता है। इस रूम में गर्म पानी की केटल, मग, कॉफ़ी, चाय के सेशे वगैरह भी थे। चलो कॉफ़ी अपनी रेडी है, लेकिन इसे अंदर नहीं बाहर पियेंगे। लेक व्यू रूम परचेज करने का कुछ तो फ़ायदा उठाएं। आज हमारा दूसरा दिन खुरपताल में एंड मैं इंजॉय कर रहा हूँ मेरी ब्लैक कॉफ़ी इतने प्यारे व्यू के साथ। आज हम घूमेंगे नैनीताल। चलिए सबसे पहली और अंडररेटेड जगह है खुरपताल लेक। आप देख सकते हो लेक तो बड़ी छोटी सी है, शुरू होते ही खत्म है, लेकिन इसका एमरल्ड ब्लू कलर कितना प्यारा है। तो हम जा रहे हैं अभी नैनीताल एंड धूप बढ़िया है एंड हवा भी बढ़िया चल रही है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल। ऑल्सो यार इस वीडियो में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप एक दिन में प्रैक्टिकली बड़े आराम से घूम और खा पी सकते हो। दूसरी जो जगह हम जा रहे हैं वो नैनीताल के रास्ते में ही पड़ती है। इस जगह का नाम है वुडलैंड वाटरफॉल्स। 50 रुपए पर पर्सन की एंट्री टिकट है। अभी तो खैर ये बंद है सिंस ये सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही खुला रहता है। और ये बाकी कुछ डिटेल्स जो आप देख सकते हैं। बाकी वुडलैंड वाटरफॉल्स बाहर से जितना देख सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वर्जन को देखने के लिए कोई एंट्री फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो बाहर से भी विजिबल है। बाकी हम चलते हैं आगे क्योंकि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। बाकी नेक्स्ट आए हैं हम लवर्स पॉइंट, और यहाँ पे आप घोड़ा सवारी का भी लुफ्त उठा सकते हैं, बस रेट्स थोड़े ऊंचे हैं जो पे करने पड़ेंगे आपको। इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आओ यहाँ के सुसाइड पॉइंट लेके चलता हूँ जो लवर्स पॉइंट से थोड़ा सा ही नीचे है। बस यहाँ पे तो पूरा बाजार लगा हुआ है जहाँ आपकी बढ़िया वाली जेब ढीली हो सकती है और शायद आप खुशी खुशी करवा भी लेंगे। नैनीताल के सुसाइड पॉइंट पे आपको लोगों की भीड़ तो डेफिनेटली मिलेगी। बाकी इस पॉइंट पे काले मुंह वाले लंगूर भी काफी हैं, लेकिन बड़े शांत स्वभाव के हैं। कमाल की बात है ना, लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट एक ही पॉइंट पे है। बाकी लोग तो कहते हैं लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट में क्या ही रखा है, और शायद यही देखने इतने सारे लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ है। लेकिन जब आप पहाड़ों में घूमने आते हो तो मेन तो नजारे ही होते हैं, और यहाँ बढ़िया मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे तरह तरह की डिजाइनर कैंडल्स भी मिल जाती हैं, और पहाड़ों में भूख लगे तो भुट्टा तो मैंडेटरी सा हो जाता है। प्लस इनका भुट्टा सेकने का अंदाज आहा गजब।
बाकी वो भैया बता रहे थे लवर्स पॉइंट है तो भुट्टा ऐसे ही खाना पड़ता है, इसीलिए ऐसे खा रहा हूँ। अच्छा, लवर्स पॉइंट से कुछ दूर चलते ही हम फाइनली पहुंच गए नैनीताल की पतली पतली गलियों में, और यहाँ कार पार्किंग की तो हमें इतनी दिक्कत आई कि हमको इधर से उधर डाइवर्ट ही करते रहे, और करीब 1.25 घंटे बाद स्टेडियम के सामने वाली पार्किंग में जैसे तैसे हमने अपनी गाड़ी के लिए जगह जुगाड़ ही ली। यहाँ पे PMFME स्टोर भी है जो बहुत ही महंगा है, इसलिए हम चल रहे हैं सीधा मंदिर। पार्किंग से एग्जिट करते ही राइट में पूरा तिब्बतन मार्केट लगा हुआ था, शॉपिंग के लिए बढ़िया जगह है, प्लस कुछ छुटर पुटर खाने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से लेफ्ट लेते ही नैना देवी मंदिर आ जाता है, चलिए पहले वहीं चलते हैं। मंदिर के जस्ट बाहर प्रसाद की दुकानें हैं जहाँ पे आपको पूजा रिलेटेड सारा सामान यहीं मिल जाएगा। और लो जी, फाइनली हम पहुँच गए माँ नैना देवी मंदिर। नैना देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक है। मंदिर काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, जो भी नैनीताल घूमने आता है वो कहीं और जाए ना जाए माँ नैना देवी के दर्शन करने ज़रूर आता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर कोई दिल से अगर मन्नत मांगता है तो उनकी आंखों की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे, लेकिन सिंस कैमरा रिस्ट्रिक्टेड था इधर तो आप यहाँ आके ही दर्शन कर पाओगे। बाकी कभी आपने सोचा है कि नैनीताल की झील को नैनी झील ही क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है जब भोलेनाथ जी माँ सती का मृत शरीर लेकर जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, तो जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। यहाँ माँ सती के नेत्र गिरे थे तो इसी वजह से इसको नैना झील कहा जाता है, और इसी से प्रेरित होकर ये नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर के जस्ट बाहर ही प्रसाद और मिठाई की दुकान भी है, और अगर आप अल्मोड़ा स्पेशल बाल मिठाई ट्राई करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप सीधे जाओ तिब्बतन मार्केट आ जाता है, जहाँ आप तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हो, प्लस आपको नैनीताल के सबसे बढ़िया मोमोज यहाँ पे खाने को मिल सकते हैं। नैनीताल आप कभी भी जाते हो तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड यानी कुमाऊनी थाली आप मिस कर ही नहीं सकते। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा नैनीताल फूड रिलेटेड आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी। बाकी जब भी आप नैनीताल आते हो तो यहाँ की अतरंगी कैंडल्स एक्सप्लोर करना मत भूलना, फिर चाहे वो कपकेक हो, बनाना हो, एप्पल हो या फिर तरबूज, इनके पास लगभग हर शेप और फ्लेवर की कैंडल्स हैं। इसके अलावा भी मल्लीताल के बड़ा बाजार में शॉपिंग के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। चलो फटाफट से बोटिंग की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि बोटिंग का क्लोजिंग टाइम नजदीक आ जाए। नैनीताल में जिधर से गुजरो वहाँ बाजार दिख जाता है। अभी हम जस्ट बोटिंग के लिए जा ही रहे हैं और देखो ये पूरा का पूरा बाजार लगा है। आई लव नैनीताल कितने है? 50 का। हम फ्राइडे को आए हैं एंड कुछ ऐसा रश है यहाँ पे। पहले जब मंदिर से नजर मारे थे तो ना के बराबर बोट्स थी, और अब देखो बोट्स का ट्रैफिक हुआ है जो, प्लस हमको करीब 20-25 मिनट की वेटिंग बोला है। ये लेक का पूरा चक्कर और आधा चक्कर का चार्जेस है फॉर अ सिंगल बोट, और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन, इसमें से एक मैं आपको बता देता हूँ जहाँ हमें पर्सनली दिक्कत आ रही है। नाव चलाने वाले के अलावा पर बोट सिर्फ 3 ही लोग अलाउड हैं। अब जैसे कि हम 4 लोग हैं तो हमें 2 बोट्स लेनी पड़ रही है, ये 420 की टिकट हमें लेक का पूरा चक्कर कटाएगी, और हाँ लाइफ जैकेट पहनना मत भूलना। और लो चली हमारी प्यार की कश्ती नैनी झील में, और से हाय टू हमारे छोटे उस्ताद। एक बात बढ़िया हो गई कि हमारी बोटिंग के टाइम पे मौसम अच्छा हो गया, ना ज्यादा धूप ना ज्यादा ठंडी, एकदम कोजी कोजी वाला माहौल। अरे भैया पीछे देखो, पीछे राइट में, अरे मेरा वाला राइट नहीं आपका वाला राइट, उधर देखो दीदी अपने फोटो शूट में इतनी मगन है उनको पता ही नहीं टक्कर होने वाली है। लो जी बार बार बचे, टक्कर तो हुई लेकिन भैया बचा लिया। अब बोटिंग का अगर आपको फीडबैक दूं तो चार्जेस थोड़े तो महंगे थे लेकिन वर्थ थे। हाँ एक स्कैम जरूर चल रहा था इनका जो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा चक्कर भी असल में पूरा चक्कर नहीं होता, क्योंकि ये भी नैनीताल का आधा ही चक्कर कटाते हैं और बाकी का आधा चक्कर दूसरी साइड वाले बोट वाले करवाते हैं। खैर हमें वैसे भी आधे घंटे बाद बोर मारने लग गया था और भूख भी बड़ी जोरों की लगी थी, तो हम मॉल रोड चले गए कुछ खाने। यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट में बड़ा ही सही पिज्ज़ा मिला एंड खा के मज़ा आ गया, चीज़ पुल भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था, ओवरऑल जगह पैसा वसूल थी। थोड़ा सा आगे चलते ही ये बड़ी कूल सी स्टेशनरी शॉप थी, जहां अंदर घुसने पे पता चला कि ये तो सोने की खान निकली। हैरी पॉटर की एक एक नॉवल से लेकर पेंटिंग कैनवस और इम्पोर्टेड स्नैक्स एक्सेट्रा यहाँ पे सब था। आप खुद ही देखो यार, इन पांडा क्लिप्स पे टंगी आपकी नैनीताल की फोटोज आपके घर की दीवारों पे जो चार चांद लगाएगी।
इसके बाद हम सीधा गए नैनीताल की आइकॉनिक बेकरी में, जहां इस लाजवाब पेस्ट्री से करी हमने एक स्वीट एंडिंग। वाकई में मजा आ गया। अपनी गाड़ी तक वापस जाते वक्त भी हमें वो बाजार वापस देखने को मिला, जहां से हमने अपने घर के लिए नैनीताल के कुछ सुवेनियर्स ले लिए। बाकी ये मुझे तो आंटी जी लाइव बना रही थी, तो हमने भी अपने बेबी के लिए दो जोड़ी बनवा ही लिए। इसके अलावा और भी काफी सारी हैंडमेड चीजें थी इनके पास। सो हमारा तो ये वन डे नैनीताल ट्रिप काफी बढ़िया रहा। मौसम भी बहुत सही था, मन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अगला पूरा दिन हमने खुरपताल में ही बिताया, और इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उस वीडियो का मेन पर्पस ही यही है कि क्यों हमने नैनीताल की जगह एक ऑफबीट लोकेशन जैसे खुरपताल में स्टे करने का डिसीजन लिया। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल ने ऐसा बांधा है कि जब जब आंख बंद करता हूँ वो सारी मेमोरीज आंखों के सामने आ जाती है। जैसे नैनी लेक में बोटिंग, वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ भुट्टा शेयर करना, वो कुमाऊनी थाली वाली बाल मिठाई, लेक किनारे बैठकर पहाड़ों वाली मैगी तो मैं खा ही रहा था कि इतने में मेरी आंख खुल गई और मुझे याद आ गया कि आज तो नैनीताल से वापस दिल्ली की ओर जाना है। चलो एक आखिरी बार खुरपताल लेक का नज़ारा देख ले अपनी बालकनी से। वाकई में यार क्या नज़ारा है, काश मेरी दिल्ली वाली बालकनी से भी ऐसा व्यू देख पाता। चलो फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, नहाने का तो टाइम बचा नहीं है, तो फेस वॉश कर लेते हैं फटाफट से। आज तो लगता है कपड़े भी फैशन ब्लॉगर्स की तरह पहनने पड़ेंगे। चलो ऑल सेट फॉर ब्रेकफास्ट। कहते हैं सुबह की पहली मील बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम अपना ब्रेकफास्ट हैवी करके चल रहे हैं, ताकि अगर आगे हमको कोई अगर बढ़िया सा ढाबा अगर नहीं भी मिलता है तो हमारा बढ़िया से काम चल जाएगा। तो पराठे और टोस्ट के अलावा हमने आज आलू पूड़ी भी मंगवाई है, जिसका ऑर्डर मैंने रात को ही दे दिया था। एंड सही बताऊं तो स्वाद में मज़ा आ गया। एंड इनकी कड़क कॉफ़ी का तो मैंने आपको बताया था, यहाँ की कॉफ़ी का तो मैं फ़ैन हो गया। चलते हैं फिर रोड ट्रिप पे एंड आपको दिखाते हैं बाकी का सफर। चलो अपने खुरपताल स्टे को भी एक आखिरी गुड बाय बोल देते हैं, एंड जो ये 3 दिन खुरपताल में बीते हैं मज़ा आ गया। एनीवेज सामान लाते हैं और चलते हैं सफ़र की तरफ। हमें निकलते निकलते 11 बज गए। हमने सोचा था कि हम 10 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि हम टाइमली दिल्ली पहुँच जाएं और ट्रैफिक को कट कर पाएं। बट लेट्स सी कि अभी हमको कितना ट्रैफिक मिलता है। बाकी एक बात तो है, उतरते समय इतना टाइम नहीं लगता जितना चढ़ते समय लगता है। देखते ही देखते हम काला ढूंगी भी पहुँच गए, और पहाड़ उतरने के बाद यहाँ पे ही हमें सबसे ज़्यादा मैकेनिक नज़र आ रहे हैं। सो जब भी आप नैनीताल जाओ तो ये चीज़ तो आप ज़रूर नोट कर लेना। नाश्ता इतना हैवी कर लिया, अब जूस पीने का भी मन नहीं कर रहा। काला ढूंगी पे जिम कॉर्बेट म्यूजियम भी था, लेकिन मेरे कैमरे से मिस हो गया। आज तो बंद है, नहीं तो अंदर तक चल के आते। एनीवेज रास्ता कितना खूबसूरत है यार। बाकी हमारे आगे एक कार चल रही है, उसको आप ध्यान से नोटिस करो। उसका कोई नंबर प्लेट नहीं है, पार्किंग लाइट्स ऑन है, गाड़ी का भी कुछ मॉडल नंबर वगैरह पता नहीं चल रहा है, सब कुछ उगाड़ फेंका हुआ है। मतलब क्या ही बोले इस गाड़ी के बारे में। गंजी चुड़ैल बनी हुई है। गंजी चुड़ैल चल रही है हमारे आगे। कभी 3.5 घंटे बाद आया है टोल प्लाजा इंदौर सिटी। पूरे रास्ते बढ़िया वाली गर्मी थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश आ गई, उसने सफर और मजेदार बना दिया। हम अभी NH9 पर ही चल रहे हैं, और ये दूसरा टॉल है नैनीताल से दिल्ली की तरफ, एंड यहाँ पे हमको जाम मिला है भैया। गजरौला रुके हैं, सामने मैकडी है, एंड हम यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे रुके हैं। चलो कुछ खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स है, जैसे ब्रेड स्टोरी, बर्गर सिंह, वांगो, क्रीम बेल, पिज्जा हट। चलो पहले बाहर जाकर आते हैं। रेस्टरूम बाहर है लेकिन साफ है। बहुत ही सोच विचार करने के बाद हमने इतना सारा जंक फूड मंगा लिया है। इन सबको फटाफट खत्म करते हैं और चलते हैं रास्ते की तरफ। और लो जी एक और टोल के दर्शन हो गए, और यहाँ पे तो आधे 1 किलोमीटर लंबी कार्स की लाइन नजर आ रही है। लगता है आज ही सबके बॉस ने वापसी घर बुला लिया। दिल्ली रह गया मात्र 40 किलोमीटर दूर, और देखते ही देखते आ गया अपना नेक्स्ट टोल। सोचो हम सुबह 11 बजे निकले थे तो ट्रैफिक के ये हाल हैं। बाकी जो भी कहो, रास्ते में ऐसी चीज़ देख के मजा सा आ जाता है, और ऐसे दृश्य देख के बुरा भी बहुत लगता है। आई होप सारे सेफ हों। आई एम प्रिटी श्योर ये मेर से ज़्यादा पहाड़ मिस कर रहा है इस टाइम। बाकी यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, एंड कमेंट करके बताइए हम अगली जगह कहाँ जाएं। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। ओके बाय।